हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना और हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 6,286 लाल डोरा गाँव में ड्रोन फ्लाइंग के लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही हरियाणा देश का पहला लाल डोरा मुक्त राज्य बनने की राह पर अग्रसर है। बैठक में जानकारी दी गई कि स्वामित्व योजना के तहत अब तक 19 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 26 के तहत आमंत्रित दावे और आपत्तियों की 30 दिनों की नोटिस अवधि भी 20 अप्रैल तक पूरी हो रही है। 24 अप्रैल तक इस योजना के तहत सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को अपने प्रयासों को बढ़ाने और अगले 10 दिनों में 50% प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन संपत्तियों से संबंधित कोई विवाद नहीं है उनके प्रॉपर्टी कार्ड शीघ्र अतिशीघ्र बनाए जाना सुनिश्चित किया जाए। चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।